सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी इस मंथ क्या कर रहा है भाई। ये टॉपिक आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टॉपिक पे अब बात करना चाहिए, क्योंकि ये रियलमी ने हद कर दिया है अब। और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और बहुत गुस्से से बना रहा हूँ, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो आप अगर नहीं सुनना तो। और दोस्तों मैं बता दूँ आपको, रियलमी के जो अपडेट न्यूज़ है जो मैं लाता हूँ, कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर जो अपडेट है जिस डेट पे आए वही डेट पे आपको कहने की कि अपडेट जो है वो आ चुका है इस डिवाइस के अंदर, बहुत ही जल्दी आपको भी देखने को मिलेगा। बट आज मुझे इस टॉपिक पे बात करना लगता है, आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इस तरह के अपडेट न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करके रख सकते हो, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरे देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये रहा इस मंथ का ईयर लेक्सिस अपडेट रोड मैप, जो इस मंथ जिस इस डिवाइस के अंदर रियलमी की तरफ से ईयर लेक्सिस अपडेट आएगा। मैंने इसे आपको बहुत पहले ही दिखा दिया था, ढेरों मुझे कमेंट्स आते हैं दिन पर दिन कि भाई मेरे डिवाइस में अपडेट नहीं आया, ए टाइम अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, 950 में कब जाके देखने को मिलेगा, C25 के अंदर कब जाके देखने को मिलेगा, रियलमी 8 4G के अंदर कब जाके देखने को मिलेगा, रियलमी C35 में कब जाके अपडेट देखने को मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, हर वीडियो में आते हैं, और मैं जितना हो सके उतना रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, उतना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ कि क्या है इस रिलेटेड अपडेट न्यूज़। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस मंथ के ईयरलेसेस अपडेट बैच को अभी तक रियलमी ने रिलीज़ नहीं किया है, ये सच है। 10 तारीख से ऊपर होने को है, अभी तक रियलमी ने इस मंथ का कोई भी ईयरलेसेस अपडेट रियलमी i4.0 बेस एंड्रॉयड 13 का रिलीज़ नहीं किया है, चाहे वो 8i के अंदर हो, चाहे वो 954G के अंदर हो, चाहे वो C25 के अंदर हो, चाहे वो रियलमी 8 4G के अंदर हो, किसी भी डिवाइस में इस मंथ हमें न्यू बैच या एलेक्सिस अपडेट देखने को नहीं मिला है। वैसा ही हाल है ऊटी अपडेट के साथ। और दोस्तों ये एलेक्सिस अपडेट तो नहीं रोल आउट हुआ, साथ साथ ऊटी अपडेट भी इस मंथ सिर्फ 2 ही डिवाइस के अंदर हमें इस मंथ ऊटी अपडेट देखने को मिला है, उससे अलावा किसी भी डिवाइस में इस मंथ ऊटी अपडेट तक रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ रियलमी N55 को लेके ज़्यादा एक्साइटेड है और उसे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, कोई भी अपडेट को Realme इस वक्त रिलीज़ नहीं कर रहा है। C35 के अंदर महीनों से अपडेट नहीं आया, महीनों से अपडेट नहीं आया, बहुत सारे प्रॉब्लम है। C25 के साथ C31, C33 इस डिवाइस के अंदर अपडेट ही नहीं है। C25Y के अंदर 2 मंथ से अपडेट नहीं है, C21Y के अंदर 2 मंथ से अपडेट नहीं है, C21 के अंदर 2 मंथ से अपडेट नहीं है। तो इस तरह से बहुत से डिवाइस के अंदर अपडेट ही नहीं आया, रियलमी ने अपडेट प्रोवाइड ही नहीं करा, और इस मंथ भी अपडेट देने में इतना डिले कर रहा है। इस मंथ का आज 13 तारीख है, अभी तक रियलमी ने एक भी OTA अपडेट तक ठीक से रिलीज नहीं किया है किसी भी डिवाइस के अंदर। तो ये ख़राब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इतना सर्विस ख़राब है मैं क्या कहूँ भाई, यूज़र के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा घटा रहा है यहाँ पर रियलमी। ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप एक अपडेट पर कंसिस्टेंट कर सकते हो तो करिए भाई। पहले तो महीनों के फास्ट 10 डेज के अंदर 10 बार डिवाइस के अंदर जो है अपडेट आ जाता था, बट अभी जो है रियलमी लॉन्च पे ज़्यादा दिमाग दे रहे हैं। OTA अपडेट्स के जो अपडेट्स है, रियलमी डिवाइस टीम को मैं कहना चाहूँगा, डिवाइस टीम में हमने बहुत दिनों से रिपोर्ट करा है कि C35 को अपडेट चाहिए, अपडेट नहीं मिल रहा है, इतने दिनों से अपडेट नहीं मिल रहा, ब्लूटूथ के अंदर प्रॉब्लम है, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है, वैलिडिटी होता है बहुत ज़्यादा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने कहा है वेट कीजिए, हम काम कर रहे हैं, आप लोगों को इतने सारे दिक्कत आ रही है इसके लिए सॉरी, अपडेट आपको मिल जाएगा। बट 3 4 महीने हो गए अभी तक कोई अपडेट C35 के अंदर देखने को नहीं मिला है। वैसा ही हाल और भी बहुत सारे डिवाइस के अंदर, नंबर सीरीज के डिवाइसेस के अंदर भी ऐसा ही है। रियलमी 7 को अपडेट देखने को नहीं मिला है, 7 प्रो को अपडेट देखने को नहीं मिला है, रियलमी 8 4G को अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हो बहुत से डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट अपडेट रियलमी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इस मंथ अभी तक 13 तारीख तक एक भी डिवाइस के अंदर रियलमी ने OTA अपडेट किया, कुछ भी अपडेट रिलीज़ नहीं करा, बट डिवाइस में बग्स जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की, ताकि मैं अपने दिक्कतों को और आप लोगों के दिक्कतों को इस वीडियो के थ्रू सामने ला सकूं। मैंने पहले कहा था कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो इसे स्किप कर सकते हो, बट ये सच है, अभी तक रियलमी ने इस संबंध कोई भी अपडेट रिलीज़ नहीं करा, चाहे वो रियलमी y 4.0 बेस एंड्रॉयड 13 का अपडेट, सिर्फ सेकंड बैच अपडेट मिला है। मैं आपको पहले भी कहा हूँ जो अपडेट आया वो सिर्फ सेकंड बैच अपडेट आया,
बट कोई भी न्यू बैच अपडेट, चाहे वो OTA हो, चाहे वो रियल में 4.0 एंड्रॉइड 13 का हो, चाहे वो 3.0 एंड्रॉइड 12 का हो, किसी भी अपडेट को इस मंथ रियलमी ने रिलीज़ नहीं करा। जल्दी से जल्दी सारे अपडेट्स को रिलीज़ कीजिए, इतने दिन तक होल्ड करके रखेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा, आपके ऊपर भी प्रेशर बनेगा इस तरह से, ठीक है। रियलमी को बहुत ही जल्दी सारे अपडेट्स को रिलीज़ करना चाहिए। बताइए आपके डिवाइस में क्या अपडेट मिला है इस मंथ, कितने दिनों से अपडेट नहीं मिला, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ के साथ एक और नए वीडियो के साथ, बहुत सारे अपडेट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा।